Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज के लेक्चर में मैं आपको प्रोबेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सारे का कंसेप्ट क्लियर करूंगी। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी प्रोबेशन किसे कहते हैं, उसके एसेंशियल कौन कौन से होते हैं, अगर हम किसी कॉन्विक्ट को प्रोबेशन पे रिलीज करते हैं तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, क्या मैरिट डिमेरिट है और जुडिशियल ट्रेंड हमें क्या बताते हैं प्रोबेशन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट प्रोबेशन। देखिए, सबसे पहले प्रोबेशन का मीनिंग बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि पनिशमेंट की डिफरेंट थ्योरी थी। तो हमारी दो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, एक रेट्रीब्यूटिव थ्योरी और एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रेट्रीब्यूटिव थ्योरी बताती है कि हमें कॉन्विक्ट से बदला लेना है, तो उसने जो बुरा काम किया है हमें उसको जो है उसी जितना बुरा उसने विक्टिम के साथ किया है उतना ही बुरा जो है क्रिमिनल के साथ करना है। तो वो कहती है अगर किसी ने आपका हाथ काटा है, अगर आपने किसी का हाथ काटा है तो आपका भी हाथ कटना चाहिए, तो इट इज़ ए विंडिक्टिव अप्रोच। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कोई क्रिमिनल जो है क्राइम करता है वो काफ़ी हीट ऑफ मोमेंट में भी कर देता है, बहुत गुस्से में भी कर देता है, जबकि बेसिकली वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है। तो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी जो होती है इंसान को सुधरने का बिल्कुल भी मौका नहीं देती है। और गांधी जी ने भी एक बार कहा था कि आपको क्राइम से हेट करनी चाहिए, क्रिमिनल से नहीं। इसीलिए मॉडर्न पेनोलॉजिस्ट जो हैं वो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी को इतना अच्छा नहीं मानते हैं जितना वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी को मानते हैं। रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है क्रिमिनल को पनिश करने के साथ साथ वो उनको रिफॉर्म करने पे ज़्यादा फोकस करती है, ताकि वो आफ्टर रिलीज सोसाइटी में अपने आप को अच्छे से रिहैबिलिट कर सकें। तो प्रोबेशन जो है वो एक तरीके से रिफॉर्मेटिव थ्योरी का ही एक पनिशमेंट का मोड है। तो प्रोबेशन क्या होता है? प्रोबेशन में कोर्ट जो है जब सेंटेंस का अपना वर्डिक्ट सुनाता है तो उस वक्त अगर वो उनको इम्प्रिजनमेंट ना देके उनको रिलीज कर देता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, और ये कंडीशन भी कोर्ट ही लगाता है, तो इसको बोलते हैं प्रोबेशन। तो प्रोबेशन एक तरीके से कंडीशनल सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होता है। यहाँ पे हम उन्हें प्रिजन में ना रख के हम उनको जो है कंडीशनल जो है रिलीज कर देते हैं, तो ये चीज़ कहलाती है प्रोबेशन। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं वो प्रोबेशन और पैरोल में जो है काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों वर्ड बिल्कुल अलग अलग है। पैरोल तब मिलता है जबकि आपको जो है कस्टोडियन सेंटेंस सुनाई जा चुकी होती है। तो सजा मिलने के बाद जो इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिल जाती है उसके बाद जब आपको टेम्परेरी रिलीज किया जाता है तो वो कहलाता है पैरोल। और प्रोबेशन में क्या होता है कि कोर्ट जो है आपको कस्टोडियल सेंटेंस सुनाता ही नहीं है, बल्कि उसके बजाय वो इम्प्रिजन करने के बजाय आपको जो है कंडीशनल रिलीज कर देता है, तो इसको बोलते हैं हम प्रोबेशन। अब प्रोबेशन देने के कुछ एसेंशियल होते हैं जो कोर्ट को जब वो प्रोबेशन देता है तो इन बातों का ध्यान उसको रखना चाहिए। सबसे पहले है फॉर स्पेसिफिक पीरियड। जो प्रोबेशन दी जाती है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो जाती है, लेकिन ये 3 साल से ज़्यादा के पीरियड के लिए नहीं दी जा सकती है। सेकेंड है मस्ट बी फर्स्ट ऑफेंडर। देखिए, प्रोबेशन जो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी का ही एक पार्ट है, तो ये कोशिश करता है जो फर्स्ट ऑफेंडर है, जो हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है, जिनमें सुधरने की पूरी गुंजाइश होती है, कि प्रोबेशन जनरली कोर्ट जो है फर्स्ट ऑफेंडर को ही देता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द ऑफेंस हैज़ टू बी सीन। देखिए, जब भी कोर्ट किसी भी क्रिमिनल को प्रोबेशन पे रिलीज करता है तो उसे देखना चाहिए कि उसने जो क्राइम किया है, जो ऑफेंस किया है, उसका नेचर कैसा है। वो पेटी ऑफेंस है या बहुत ही हीनियस टाइप का क्राइम है। अगर वो किसी का मर्डर कर देता है तो वो बहुत ही अटेम्प्ट टू मर्डर का उस पर केस होता है, तो ये तो बहुत ही हीनियस क्राइम हो गया। अगर वो चोरी करता है या किसी को हर्ट पहुंचाता है तो उनका नेचर फिर भी जो है काफ़ी लाइट हो जाता है। तो कोर्ट को देखना चाहिए कि जो लाइट नेचर के ऑफेंस हैं उन्हीं में उसे प्रोबेशन देनी चाहिए।
नेक्स्ट इसका पॉइंट है कैन बी रिलीज विद और विदाउट सिक्योरिटी. जब प्रोबेशन पे रिलीज करता है कोर्ट तो वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी कह सकता है और बिना सिक्योरिटी के भी वो उनको रिलीज कर सकता है. सेम वे नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि कोर्ट कह सकता है कि एक प्रोबेशनरी ऑफिसर होगा, आप उसके सुपरविजन में रहेंगे जब तक आप प्रोबेशन के पीरियड में रहते हो, और वो बिना सुपरविजन के भी उनको रिलीज कर सकता है. और इसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कोर्ट को देखना चाहिए, करेक्टर ऑफ द ऑफेंडर. देखिए, अगर उसका ऑफेंडर का करेक्टर बहुत अच्छा है, उसने सोसाइटी में हमेशा एक पीसफुल जीवन जिया है और उसका गुड बिहेवियर आए, तो आप उसे प्रोबेशन दे सकते हैं. लेकिन इसके बजाय अगर वो लो अबाइडिंग सिटीजन नहीं होता है, वो हमेशा सोसाइटी के मेंबर्स को तंग करते रहता है, तो इट मीन्स उसका जो बेसिक नेचर है वो एक क्रिमिनल का नेचर है. तो ऐसे केसेस में नॉर्मली कोर्ट जो है प्रोबेशन नहीं देती है. फिर जो है प्रोबेशन देते समय कोर्ट को सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस भी देखना चाहिए. उसको ये देखना चाहिए कि जो उसने ऑफेंस किया है उसका रूट कॉज क्या था, उसकी सर्कमस्टांसेस क्या थी. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो बहुत भूखा है और वो भूख की वजह से जो है किसी के घर से रोटी चुरा लेता है, तो इसका मतलब वहाँ पे उसकी सर्कमस्टांसेस उसको फोर्स कर रही थी. तो अगर इस टाइप के सर्कमस्टांसेस है कि उसकी जो बेसिक नीड्स है रोटी और कपड़े की, इसके लिए वो चोरी करता है, तो उसको जो है फिर प्रोबेशन दिया जा सकता है. तो आपको मैंने इस स्लाइड में बताया कि प्रोबेशन का मीनिंग क्या है और कोर्ट को किन किन एसेंशियल का ध्यान रखना चाहिए. अब कोर्ट ने तो जो है प्रोबेशन पे कॉन्विक्ट को छोड़ दिया. अब जो लोग प्रोबेशन पे छूटते हैं, ऐसे नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से बिल्कुल जो है लीड करेंगे. कोर्ट उन पे कुछ कंडीशन लगाता है, क्योंकि प्रोबेशन तो होता ही है कंडीशनल रिलीज और फ्रॉम द सेंटेंसेस. तो वो कंडीशन क्या क्या होती हैं? सबसे पहला तो है कोर्ट उन्हें ऑर्डर करता है कि कॉन्विक्ट को जो है एक शेड्यूल टाइम पे प्रोबेशन ऑफिसर से जो है मिलना है. वहाँ पे उसको हाजिरी लगानी है जिससे प्रोबेशन ऑफिसर को पता रहे कि कॉन्विक्ट जो है उसी जगह पे रह रहा है, उसी सोसाइटी में रह रहा है और उसने कोई और गलत काम में वो इन्वॉल्व नहीं है और वो जो है इस वजह से भाग के जो है कहीं और नहीं चला गया. नेक्स्ट है, ही कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन गैम्बलिंग. वो किसी भी अपने को माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो जुआ नहीं खेलेगा, इसलिए वो गैम्बलिंग की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करेगा. नेक्स्ट है, He has to go through random drug test. और probation officer कभी भी उसकी random drug test करा सकता है. इससे उसको पता चल जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि probation पे छुटके जो है वो drug को लेने लगा हो. He cannot visit criminal. क्योंकि probation का main purpose क्या है कि उसको criminal लोगों से उसे बचाना है, उसे reform करना है. तो अगर वो criminal पे बार बार विजिट करेगा तो ही विल बी influenced by the behavior of the criminal. तो वो आगे जाके criminal activity में ही indulge होगा. इसलिए उसके criminal पे विजिट करने से पूरी तरीके से बैन होता है. He cannot go to bar and pub for enjoyment. वो अपनी enjoyment के लिए bar और pub में भी नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोबेशन एक तरीके का पनिशमेंट है. बस फर्क इतना है कि वो इम्प्रिजनमेंट ना होकर वो खुली सोसाइटी में जो है रह रहा है. तो यहाँ पे वो जो है इंजॉयमेंट उसको जो बार और पब में जाके होती है वो नहीं कर सकता है. ही हैज़ टू बी लॉ अबाइडिंग सिटीजन. उसको जब प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है तो उसको रिफॉर्म करने के लिए छोड़ा जाता है, तो उसको लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना चाहिए. कंट्री के जितने भी लॉ हैं उसे मानना चाहिए. उसे कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए जो किसी भी लॉ को जो है वॉयलेट करे. नेक्स्ट पॉइंट है, ही मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम ड्रग एंड इंटॉक्सिकेशन. उसे किसी भी ड्रग से बचना चाहिए, किसी भी इंटॉक्सिकेशन से, किसी भी नशे की आदत से बचना चाहिए, क्योंकि प्रोबेशन ऑफिसर कभी भी उसका रैंडम ड्रग टेस्ट भी करा सकता है. अगर उसका ड्रग टेस्ट में माना जाता है कि वो ड्रग लेता था तो उसकी प्रोबेशन फिर कैंसिल हो जाती है और उसको दोबारा से प्रिजन में भेजा जा सकता है. लास्ट है, कैन नॉट राइट लेटर्स टू क्रिमिनल इन प्रिजन. अगर प्रिजन में कोई क्रिमिनल है तो वो उसको भी लेटर नहीं लिखेगा, क्योंकि लेटर लिखने का मतलब है कि वो उन क्रिमिनल के प्रति अपना अफेक्शन दिखा रहा है. तो धीरे धीरे जो है फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ ही इंडल्ज होता जाएगा, वो क्रिमिनल से कभी भी नहीं हट पाएगा. तो इसलिए वो कोई भी लेटर क्रिमिनल्स को भी नहीं लिख सकता है.
तो जिस भी कॉन्विक्ट को प्रोबेशन पे छोड़ा गया है उसे ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई है ये फॉलो करनी है। अगर वो ये फॉलो नहीं करता है तो कोर्ट उसकी जो है प्रोबेशन को रिजेक्ट कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रोबेशन पे जो हम छोड़ते हैं तो उसकी क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। देखिए, सबसे पहला एडवांटेजेस है रिवॉर्ड फॉर गुड बिहेवियर। आपको मैंने इसके एसेंशन में भी बताया था, कोर्ट जब भी प्रोबेशन का ऑर्डर देता है तो वो सबसे पहले यही देखता है कि ऑफेंडर का बिहेवियर कैसा है। अगर उसका सोसाइटी में अच्छा बिहेवियर था, वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह रहता था और उसने हीट ऑफ मोमेंट पे जो है कोई कर दिया है, तो उसमें सुधरने की पूरी गुंजाइश होती है। तो एक तरीके से ऑफेंडर को अपने गुड बिहेवियर का रिवॉर्ड मिलता है कि उसको प्रिजन में ना रख के उसे प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हम किसी भी इंसान को प्रिजन में रखते हैं तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब मेरा जो है सोसाइटी के लिए मैं यूजलेस हो गया हूँ, अपने घर वालों के लिए यूजलेस हो गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ज़िंदगी यहीं क्रिमिनल्स के बीच में बितानी पड़ेगी। लेकिन जब हम उसे प्रोबेशन पे छोड़ते हैं तो उसके अंदर एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि कोर्ट ने भी मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया, तभी उन्होंने मुझे प्रोबेशन पे छोड़ा, तो मुझे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करते हुए अपने आप को एक अच्छा सिटीजन के फॉर्म में प्रूव करना है। नेक्स्ट है सेफ फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट। ये तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। इसमें कॉन्विक को प्रिजन में नहीं रखा जाता, उसे इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस नहीं सुनाई जाती है, तो इसलिए जो इम्प्रिजनमेंट के पैरिल होते हैं, जो उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो सबसे जो है बच जाता है। नेक्स्ट है कैन रियर इजली एडजस्ट टू कंडीशन ऑफ नॉर्मल सोसाइटी। देखिए, जब आप किसी कॉन्विक को प्रिजन में रखते हैं तो वो सोसाइटी से कट ऑफ हो जाता है। सोसाइटी में क्या नए ट्रेंड चल रहे हैं, सोसाइटी में क्या चेंजेस आए हैं, सोसाइटी के मेंबर्स का क्या माइंड सेट है, उसको उनके बारे में कुछ नहीं पता चलता। लेकिन जब वो प्रोबेशन पे छूटता है तो वो नॉर्मल सोसाइटी के बीच में ही रहता है, तो उसे जो चेंजिंग सोसाइटी है उसके बारे में पता चलता रहता है और उसी के हिसाब से वो अपने आप को ईजली एडजस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है ही बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। देखिए, जब वो प्रोबेशन पे बाहर रहेगा तो वो वोकेशनल कोर्स कर सकता है, कोई नई स्किल सीख सकता है, तो और उनको सीख के वो अपना कोई नया जो है छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जिसकी वजह से वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है। रिड्यूस ओवर क्राउडिंग इन प्रिजन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट गुड एडवांटेजेस ऑफ प्रोबेशन, क्योंकि हमें पता है कि प्रिजन में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, ओवर क्राउडिंग की होती है। ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या होते हैं, हम प्रिजनर का जो है प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। हम वुमेन प्रिजनर को, फर्स्ट ऑफेंडर को, जो हार्डकोर क्रिमिनल है या जुविनाइल जो डेलिंक्वेंट होते हैं, उनको अलग अलग नहीं रख पाते, जिससे सब मिक्स रहते हैं, और कोई अच्छा भी होता है तो वो भी हार्डकोर क्रिमिनल की संगति में रह के जो है उनसे क्रिमिनल बिहेवियर ही सीखता है। तो प्रोबेशन पे जब लोगों को छोड़ दिया जाता है तो इससे प्रिजन में ओवरक्राउडिंग थोड़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है इट सेव देम फ्रॉम हैबिचुअल क्रिमिनल। देखिए, कोई भी बंदा जो है जन्म से क्रिमिनल नहीं होता है। जब उसको क्रिमिनल लोगों का एसोसिएशन मिलता है, उनकी कंपनी मिलती है, तभी उन्हें जब उनकी एक्टिविटी उसे अच्छी लगती है तभी वो इन्फ्लुएंस होकर क्रिमिनल एक्टिविटी करता है। तो अगर उसे प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाता है तो जो वो प्रिजन में हैबिचुअल क्रिमिनल रहते हैं उनकी कंपनी से वो बच जाता है, जिससे कि वो क्राइम के रास्ते को आराम से छोड़ पाता है। लास्ट है इसका कंटिन्यूटी विद फैमिली। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि उसकी अपनी फैमिली से कंटिन्यूटी बनी रहती है, उसकी फैमिली से अटैचमेंट रहता है, फैमिली से बॉन्डिंग रहती है, उनसे उसका इमोशनल अटैचमेंट रहता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ही मेंटली फिट रखता है और उसे लगता है कि मुझे जो है रिफॉर्म होना है, मुझे सोसाइटी में अच्छे से रिहेबिलिट होना चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है, अपने लिए नहीं तो वो फैमिली के लिए जो है अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश करता है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोबेशन। तो सबसे पहले तो है कि दे मिस यूज द प्रोबेशन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको इतना अच्छा रिफॉर्मेशन का चांस मिलता है थ्रू प्रोबेशन, लेकिन वो उस प्रोबेशन को भी मिस यूज करते हैं। उनको जो रिहैबिलिटेट करने की टेक्निक सिखाई देती हैं उनमें वो कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं, उन्हें कम्युनिटी सर्विस करने के लिए कहा जाता है उसमें वो कोई इंटरेस्ट नहीं देते, तो उनको जो रिफॉर्म करके एक सोसाइटी में अच्छी तरह से रिहैबिलिटेट करने की हम कोशिश करते हैं वो उसका मिसयूज़ करते हैं और उसको अच्छी तरीके से नहीं सीखते।
नेक्स्ट है प्रोबेशन ऑफिसर इज नॉट एबल टू सुपरवाइज देम प्रैक्टिकली. कभी कभी क्या होता है, जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है, वैसे तो उसको कॉन्विक्ट को जो प्रोबेशन पे रिलीज है उनको प्रॉपर अपने सुपरविजन में रखना चाहिए, ताकि उसे पता चलता रहे कि वो जो है रिफॉर्म हो रहे हैं और किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं. लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रोबेशन ऑफिसर जो है उनको प्रैक्टिकली सुपरवाइज नहीं कर सकता. प्रैक्टिकली तभी सुपरवाइज कर सकता है जबकि वो जो है साये की तरह उनके पीछे रहे. बट लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उन पर और भी बहुत सारे वर्क होते हैं और बहुत सारे जो हैं क्रिमिनल्स होते हैं जो कि प्रोबेशन पे छोड़े जाते हैं. तो वो सुपरवाइज तो करता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत इफेक्टिव वे से जो है वो उनको कभी कभी सुपरवाइज नहीं कर पाता है. नेक्स्ट है मिस्टेक इन ग्रांटिंग प्रोबेशन. जो प्रोबेशन पे छोड़ने का डिसीजन है वो कोर्ट करती है, और कोर्ट के पास बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिन्हें देख के वो लोगों को ग्रांट करती है. जैसे कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर ऑफ ऑफेंस कैसा है, और उसने किस सरकमटांसेस में जो है ऑफेंस किया है, उसकी एज क्या है. लेकिन कभी कभी कोर्ट भी जब प्रोबेशन को ग्रांट करता है तो उसमें गलती कर देता है, और जिसको प्रोबेशन नहीं दी जानी चाहिए थी उसको भी वो प्रोबेशन दे देता है. नेक्स्ट है नो फाइनेंशियल सेविंग टू अथॉरिटी. प्रोबेशन का एक बेनिफिट बताया जाता है कि इससे प्रिजन में उनका जो रहने का खर्चा होता है वो कम हो जाता है, जिससे जेल अथॉरिटी को फाइनेंशियल सेविंग होता है. लेकिन उधर हम प्रोबेशन ऑफिसर भी अपॉइंट करते हैं जो उनको सुपरवाइज करते हैं, तो एक तरफ अगर हमारी सेविंग होती है तो दूसरी तरफ हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है. तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई कॉन्क्रीट फाइनेंशियल सेविंग जो है अथॉरिटीज़ को नहीं होती है. नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन इन अदर प्रिजनर. देखिए जब कुछ कॉन्विक्ट तो जो है प्रोबेशन पे छूट जाते हैं और जो नहीं छूटते, तो उन प्रिजनर के मन में बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि हमने ऐसा क्या किया कि हमको नहीं छोड़ा गया. क्योंकि हर प्रिजनर अपने आप को इनोसेंट समझता है और दूसरे को वो कल्प्रिट समझता है, तो उसे लगता है दूसरे को गलत प्रोबेशन पे छोड़ा गया है और हमें प्रोबेशन पे नहीं छोड़ा गया. तो जिसकी वजह से उनके मन में जो है बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन में वो जो है और हार्डकोर क्रिमिनल बनने की राह पे चल पड़ते हैं. नेक्स्ट है कैन नॉट बी रिफॉर्म. बहुत से केसेस में देखने को मिलता है कि हमने क्रिमिनल को प्रोबेशन पे छोड़ा है कॉन्विक्ट को, लेकिन वो फिर भी जो है रिफॉर्म नहीं होते हैं. उन्हें क्रिमिनल एक्टिविटी करने में ही वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. कितना भी उनको सुपरविजन में देखो, कितना ही उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे, लेकिन वो दिल से जो है रिफॉर्म होना नहीं चाहते हैं. इसका लास्ट डिसएडवांटेज है नो सॉलिड एफर्ट टू रिहेबिलिटेट देम. गवर्नमेंट भी जो है और जो प्रोबेशन ऑफिसर होते हैं कोई बहुत सॉलिड एफर्ट नहीं लेते उनको रिहेबिलिट के लिए, क्योंकि रिहैबिलिटेशन के लिए उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनका टाइम टू टाइम टेस्ट लेना चाहिए कि वो वोकेशनल ट्रेनिंग ढंग से ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, जिससे कि उनको जो है अपनी लाइवलीहुड जो है अपनी प्रोबेशन का पीरियड होने पे वो जो है स्टार्ट कर सके. तो कोई सॉलिड एफर्ट जो है उनको रिहैबिलिट करने के लिए नहीं चलाए जाते. इसका एक और डिसएडवांटेजेस होता है कि जो पनिशमेंट में हम प्रोबेशन पे छोड़ते हैं उससे जो विक्टिम की फैमिली होती है उसे बहुत डिससेटिस्फेक्शन होता है. उसे तो लगता है कि ये पनिशमेंट ही नहीं है, ये तो बहुत ही लीनियंसी दिखाई गई है, क्योंकि उनको छोड़ना उन्हें जो है एक पनिशमेंट नहीं लगता, उन्हें लगता है कि उनके साथ जो है मजाक किया गया है. तो इससे विक्टिम की फैमिली को जो है बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होती है. तो अब आपको प्रोबेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्लियर हो गए होंगे. अब मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि हम कुछ फेमस जो जुडिशियल केसेस देखेंगे, इससे हमें पता चलता है कि जब कोर्ट ने प्रोबेशन दी है तो उसने किस किस फैक्टर को जो है ध्यान में रखा है. तो जुडिशियल ट्रेंड में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले केस सिया सरन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का. कौन सा केस है ये? सिया सरन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक व्यक्ति का भाई एडमिट होता है. अब वहाँ पे जो वहाँ का सर्जन होता है वो उसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देता, जिसकी वजह से उसके भाई को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी नाक पे डॉक्टर की बहुत तेज मुक्का मारता है, जिससे उसका एक दांत टूट जाता है और उसका लिप्स भी जो है डॉक्टर के कट जाते हैं. तो उसको जो है ग्रीवियस हर्ट की सजा सुनाई देती है. तो फिर वो अपील करता है, लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया कि इसमें उसको प्रोबेशन जो है नहीं दी जाएगी, क्योंकि प्रोबेशन जो है वैसे तो दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई इंसल्ट या असॉल्ट या इंजरी करता है डॉक्टर्स के प्रति या नर्सेस के प्रति, तो ऐसे तो डॉक्टर्स जो हैं कभी भी किसी का ट्रीटमेंट करते हुए जो है बहुत ही अपने आप को फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान नहीं होते हैं. तो
तो कभी कभी अच्छा ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी जो है जो पेशेंट होता है उसका हालत और ख़राब हो जाती है या उसकी डेथ भी हो सकती है। तो डॉक्टर्स को पेशेंट के और उनके रिलेटिव के गुस्से से बचाने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे केस में हम प्रोबेशन नहीं दे सकते, क्योंकि इस तरह से प्रोबेशन देके हम जो है एक गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे। नेक्स्ट केस था शंकर दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा केस था ये? शंकर दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में एक व्यक्ति दिल्ली मिल सर्विस में जो है जॉब करता है और वो किसी से जो है 500 रुपये लेता है और उसको जो है मिसअप्रोप्रिएट कर देता है। तो उस पर जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चलता है, क्योंकि जो ट्रस्ट से उसको पैसे दिए गए थे उसको वो जो है ब्रीच करता है। तो फिर वो जो है प्रोबेशन के लिए अप्लाई करता है, तो कोर्ट यहाँ पे उसे प्रोबेशन दे देता है। लेकिन उसका जो एम्प्लॉयर होता है वो कहता है इसने पहले भी पैसे का मिसअप्रोप्रिएट किया है, इसलिए भले ही ये प्रोबेशन पे है, तो प्रोबेशन पे होने का मतलब भी है कि ये कॉन्विक्ट है, तो वो उसे जॉब से निकाल देता है। लेकिन कोर्ट कहता है कि अगर हमने प्रोबेशन पे इसको छोड़ा है तो आपको उसे जॉब से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि प्रोबेशन का मेन पर्पस ही क्या होता है कि हमें बंदे को रिफॉर्म करना है जिससे वो सोसाइटी में रिहैबिलिटेट हो जाए, और अगर हम उसे जॉब से डिसमिस कर देंगे तो जो हमारा प्रोबेशन का मेन पर्पस है कि कॉन्विक्ट को रिफॉर्म करना, उसे रिहैबिलिटेट करना, वही जो है डिफीट हो जाएगा। इसका नेक्स्ट केस है स्टेट थ्रू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली वर्सेस रतन लाल अरोड़ा। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टेट थ्रू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली वर्सेस रतन लाल अरोड़ा। इसमें क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है वो जो है एक ब्राइबरी के केस में पकड़ा जाता है। वो 1500 रुपये की ब्राइबरी लेता है तो उस पर केस चलता है, तो हाई कोर्ट जो होता है उसको प्रोबेशन पे छोड़ देता है। वो रीज़न देता है कि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं था और ट्रायल के टाइम पे ही वो बंदा जो है रिटायर भी हो गया था, तो इसलिए हम इसे प्रोबेशन पे छोड़ देते हैं। लेकिन फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट पे गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भले ही उसने जो हाई कोर्ट ने रीज़न दिए हैं कि ये बहुत कम अमाउंट था और वो रिटायर हो गया, तो भी हम ऐसे व्यक्ति को प्रोबेशन पे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्विक्टेड क्या है, करप्ट पर्सन है। उसको कॉन्विक्शन करप्शन की वजह से मिला है। अगर हम करप्शन के लिए बंदों को जो है कॉन्विक्ट को उस पर छोड़ देंगे प्रोबेशन पे, तो ये गलत ट्रेंड जो है पेश करेगा लोगों के लिए। तो करप्शन चाहे छोटे अमाउंट का हो चाहे बड़े अमाउंट का हो, करप्शन इज करप्शन। इससे सोसाइटी में करप्शन बढ़ेगा ही, करप्शन कम नहीं होगा। तो करप्शन के केस में भी कॉन्विक्ट को प्रोबेशन देना ठीक नहीं है। तो आई होप कि इस तरह के जुडिशल ट्रेंड से आपको जो है जो जुडिशरी का इंटेंशन है वो पता चलता है कि वो कैसे ये अंडरस्टैंड करती है केस को देख के या ऑफेंडर के बिहेवियर को देख के या सरकमस्टेंसेस को देख के कि कब हमें जो है प्रोबेशन कॉन्विक्ट को देनी चाहिए और कब नहीं देनी चाहिए। आई होप कि आपको प्रोबेशन से रिलेटेड जितने भी कंटेंट थे वो सारे बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर जरूर करिए, क्योंकि प्रोबेशन एक वेरी डिफिकल्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दूसरे जो लोग जो इसकी तैयारी कर रहे हैं जुडिशियल सर्विस की या फिर अलग तरीके से अपने LLB के एग्जाम्स की, तो वो भी इसे बेनिफिट ले सके। तो दैट्स ऑल फॉर माई टूडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।